इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। विधानमंडल के मानसून सत्र का आज चौथा दिन, यूपी विधानमंडल की कार्यवाही 11 बजे होगी शुरू। आज अनुपूरक बजट पेश करेगी सरकार। वित्तीय वर्ष 2023 और 24 का पहला अनुपूरक बजट होगा। सदन को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और साथ ही साथ अखिलेश यादव भी सदन की चर्चा में हिस्सा लेंगे। सरकार को अनुपूरक बजट पर घेरने का प्रयास किया जाएगा। तो बड़ा अपडेट, वित्तीय वर्ष 2023 और 24 के लिए अनुपूरक बजट आज पेश किया जाएगा। सदन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे, साथ ही साथ अखिलेश यादव भी सदन में चर्चा में हिस्सा लेंगे। सरकार को अनुपूरक बजट पर घेरने का प्रयास विपक्ष की ओर से लगातार किया जाएगा। तो बड़ा अपडेट, विधानमंडल के मानसून सत्र का चौथा दिन है और ऐसे में यूपी विधानमंडल की कार्यवाही 11 बजे शुरू होगी। इसी खबर को लेकर हमारे सहयोगी सिद्धार्थ प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। सिद्धार्थ, आज चौथा दिन है, यूपी विधानमंडल में कार्यवाही शुरू होनी है 11 बजे से, क्या कुछ अपडेट है? आज अनुपूरक बजट भी सरकार पेश करने जा रही है। जी बिल्कुल, आज अनुपूरक बजट सरकार पेश करेगी। आज चौथा दिन है, कहीं ना कहीं इसमें आज अखिलेश यादव और सीएम योगी आदित्यनाथ दोनों मौजूद रहेंगे और दोनों कहीं ना कहीं सदन में अपनी बात रखेंगे। आज सबसे महत्वपूर्ण ये है कि अनुपूरक बजट सरकार पेश करेगी। ये पहला अनुपूरक बजट है, तो आज पहला ये अनुपूरक बजट है इस साल का जो सरकार पेश करेगी। जो सरकार ने जो वादे किए थे आम जनमानस से अपने लोक संपर्क में, उसको कहीं ना कहीं पूरा करने के लिए ये बजट काफी महत्वपूर्ण है। और ये जो बजट पेश किया है, सबसे महत्वपूर्ण जो योजना है उसको पूरे, दीपावली पर गैस सिलेंडर लोगों को फ्री देना और स्मार्टफोन बांटना, जैसे ये बजट पेश होने के बाद कहीं ना अपने इन वादों को पूरा करेगी। और ये वादे बजट काफी महत्वपूर्ण है। देखिए, 2024 का जो लोकसभा चुनाव है, सरकार 80 सीटें जीतने के लिए पूरा प्रयास कर रही है। बीजेपी जीतने का प्रयास करेगी, कहीं ना कहीं के तहत आज ये कहीं ना कहीं जब ये बजट आज पेश हो जाएगा, उसके बाद फिर जो जो सरकार ने वादे किए थे उसको पूरा, इसका पूरा फायदा बीजेपी को अब लोकसभा चुनाव में मिलेगा। जी बिल्कुल सिद्धार्थ, 5 दिन ये बजट सत्र चलेगा और आज चौथा दिन है, 3 दिन इस पर बहस हो चुकी है और विपक्ष जो है लगातार सरकार को घेरती हुई नजर आई है। आज किस तरह की खास रणनीति विपक्ष की ओर से सरकार को घेरने की बनी हुई है? देखिए पूरा में चीज सबसे महत्वपूर्ण है, कल जैसे ओल्ड स्कीम को लेकर लगातार वॉकआउट कर गए समाजवादी पार्टी के जो सदस्य थे, वो वॉकआउट कर गए। सुरेश खन्ना ने जवाब दिया, जो वित्त मंत्री हैं उन्होंने जब जवाब दिया कि सरकार इसके बारे में कोई विचार नहीं कर रही है ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर, तो कल कहीं ना कहीं बहुत हंगामा हुआ। उसके बाद जो विधानसभा जो समाजवादी पार्टी के जो सदस्य थे वो कहीं ना कहीं वॉकआउट कर गए। आज भी कहीं ना कहीं पूरी तरीके से हंगामेदार होने की संभावना है। कई ऐसे मुद्दे हैं जो कई ऐसे विधेयक हैं जिसको लेकर आज फिर हंगामा हो सकता है सदन में, जिसमें विश्वविद्यालय संबंधित है कुछ, तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से लगातार जब सत्र जब से चल रहा है तब से लगातार हंगामे हो रहे हैं और पक्ष विपक्ष दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहा है और लगातार केशव प्रसाद मौर्य और अखिलेश यादव आमने सामने होते हैं। केशव प्रसाद मौर्य लगातार ये कहते हैं, अखिलेश यादव केवल ट्वीट करते हैं, अखिलेश यादव कभी जनहित की बात नहीं करते हैं। तो कहीं ना कहीं जैसे सीएम ने ही अखिलेश यादव पर एक आरोप लगाया था कि कहीं ना कहीं जो सरकार थी इसके पहले वो कहीं ना कहीं संगठित अपराध में जो समाजवादी संगठित अपराध काफी का बढ़ाव का। बिल्कुल सिद्धार्थ, अगर आज देखा जाए तो आज जो यूपी सरकार है वो अनुपूरक बजट पेश करने जा रही है और ये कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण हो जाता है आम लोगों के लिए। इसमें किन किन बिंदुओं पर चर्चा आज हो सकती है? देखिए, अनुपूरक बजट पर आज चर्चा हो सकती है, तो कहीं जो बजट का जो स्वरूप होगा उस पर चर्चा होगी, किस तरीके से बजट का कहाँ उपयोग किया जाएगा। तो काफी सदन में आज काफी चीजों पर सीएम भी बोलेंगे और उसके जब अखिलेश यादव भी अपनी बात रखेंगे, तो काफी आज महत्वपूर्ण दिन है। और कहीं ना कहीं आम लोगों के लिए इस पर ये अनुपूरक बजट पास होने के बाद कहीं ना कहीं जो योजनाएं हैं, जिन योजनाओं को धरातल पर उतारना है उसको, उसमें काफी फायदा मिलेगा। तो आज काफी महत्वपूर्ण दिन है सदन के लिए। बिल्कुल, आज अनुपूरक बजट जिस तरह से पेश होने जा रहा है सिद्धार्थ, क्या क्या सौगातें इसमें आम जनता को मिल सकती हैं आज? देखिए, अनुपूरक बजट पेश होने के बाद, इसके पहले जो बजट पेश हुआ था फरवरी में, उसमें कहीं ना कहीं सरकार ने काफी योजनाओं के बारे में बताया था। और जो बीजेपी जब सरकार बन रही थी तो उसके पहले जो उन्होंने अपने जो वादे किए थे सरकार ने कि स्मार्टफोन देंगे, गैस सिलेंडर फ्री देंगे और अयोध्या और काशी में काफी एयरपोर्ट बनने की बात की गई थी, तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों को धरातल में उतारने के लिए जो अनुपूरक बजट पेश होगा वो काफी महत्वपूर्ण होगा। और अनुपूरक बजट पेश होने के बाद कहीं ना कहीं सरकार ये सब चीज आसानी से धरातल पर उतार सकेगी, स्मार्टफोन बांट सकेगी, दीपावली पर गैस सिलेंडर फ्री बांटने की बात सरकार ने की थी। तो देखिए, जो ये बजट पेश होगा उसके बाद कहीं ना कहीं इसके बाद लोकसभा चुनाव भी आ जाएगा और लोकसभा चुनाव
ज्यादा समय नहीं बचा है। बीजेपी को हर हाल में FC/ST सीट जीतने की लगातार वो संकल्प कर रहे हैं और पूरी कोशिश कर रही है। तो कहीं ना कहीं जब जनता आम जनमानस को कहीं ना कहीं जब इस तरीके के वादे पूरे होंगे तो इसका फायदा कहीं ना कहीं आम जनता को मिलेगा। और आज का बजट जो है वो आम जनता जब पास होने के बाद ही आम जनता की जो योजनाएं हैं वो धरातल पर उतर जाएंगी और इसका फायदा बीजेपी को आने वाले चुनाव में जरूर मिलेगा। बिल्कुल, जाहिर सी बात है सिद्धार्थ, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।